अक्षरा के इस विवाद में अभी तक आम्रपाली दुबे ने कुछ नहीं कहा, जबकि आम्रपाली दुबे अक्षरा सिंह की बेस्ट फ्रेंड मानी जाती हैं। वैसे आपको बता दें कि अक्षरा और आम्रपाली की फ्रेंडशिप के चर्चे भोजपुरी इंडस्ट्री में कई सालों से होते आ रहे हैं और कई मर्तबा इन दोनों ने एक दूसरे को अपना बेस्ट फ्रेंड भी कहा है। लेकिन पवन और अक्षरा के इस विवाद में कुछ भी नहीं बोलती नजर आ रही हैं आम्रपाली। आज ही आम्रपाली ने एक वीडियो अपलोड किया अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर, पोस्ट किया। जैसे ही ये वीडियो पोस्ट हुआ, वैसे ही अक्षरा सिंह की एक फैन फॉलोअर ने आम्रपाली दुबे से पूछ लिया कि मैडम, आप दोनों तो बहुत ही अच्छी दोस्त हैं, फिर पवन और अक्षरा के इस लड़ाई में आप अक्षरा सिंह का सपोर्ट क्यों नहीं कर रही हैं। उस पर आम्रपाली दुबे ने जवाब दिया, आई डोंट थिंक सो कि मुझे इस पर कुछ भी बोलने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जब भी अक्षरा को मेरी जरूरत होगी, मैं ज़रूर उसके साथ रहूंगी, लेकिन मुझे इस मुद्दे पर कुछ बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इससे साफ जाहिर है कि आम्रपाली दुबे को पता तो सब कुछ है, लेकिन वो कुछ भी बोलना नहीं चाहती। वैसे उनका न बोलना सही है, क्योंकि उनकी पवन सिंह के साथ आने वाली फिल्म शेर सिंह है, जो कि काफ़ी महंगे बजट की है। अगर वो अक्षरा के सपोर्ट में बोलती हैं तो हो सकता है कि उन्हें भी कुछ बड़ा नुकसान झेलना पड़ जाए। वैसे आम्रपाली दुबे के लिए सिचुएशन ऐसी है कि जब आपके दो बेस्ट फ्रेंड आपस में लड़ रहे हों, तो आप यही नहीं समझ पाते हैं कि साथ किसका दें, वो जो आरोप पे आरोप लगाया जा रहा है या फिर वो जो शांत होके उन आरोपों को सुन रहा है। क्योंकि अगर आम्रपाली पवन का साथ देती हैं तो अक्षरा नाराज होंगी, और अगर अक्षरा का साथ देती हैं तो उनके फ्रेंड पवन सिंह नाराज होंगे। भाई, पवन सिंह के साथ भी उनकी उतनी ही अच्छी दोस्ती है जितनी अक्षरा सिंह के साथ है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।